हेलो गाइस, स्वागत है आपका। पांच अमेजिंग प्रोडक्ट्स आज आपके भाई फिर से आ चुका है। खतरनाक, मज़ेदार, जो देखता सब है, ख़रीदता कोई नहीं। ऐसे पांच अमेजिंग प्रोडक्ट्स जिसको देख के आपको मज़ा आ जाएगा भाई, आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। पहला प्रोडक्ट बहुत इंटरेस्टिंग, लाइटर तो बहुत देखा होगा आप लोगों ने, टिकटॉक वाला लाइटर, इस तरह से जलाने वाला, इस तरह से गैस वाला लाइटर। लेकिन क्या ऐसा लाइटर देखा है क्या? ये है आर्क लाइटर भाई। कैसा जल रहा है आप देख रहे हो, खतरनाक। इसे बहुत बढ़िया यहाँ पर स्विच दिया हुआ है, इसको बटन को दबाओगे जल जाएगा। ऑफ ऑन के लिए यहाँ भी सिस्टम है, आप ऑफ कर दोगे और जलाओगे तो नहीं जलेगा, लेकिन इसको अगर ऑन कर देते हो और जलाओगे जल जाएगा। इसे कुछ जला कर देखते हैं। भाई ये तो आग लग गया था। ऐसे मूवीज में बहुत सारा देखा होगा ना आप लोगों ने कि रूम को या थिएटर को या इस तरह का आपका हॉल रहता है उसको पूरा एकदम नाइट लाइट, पूरा गैलेक्सी वैलेक्सी बहुत खूबसूरत बना देता है। बहुत महंगा होता है सुना सेटअप उसका, प्रोजेक्टर होता है वो प्रोजेक्ट करता है इमेज को। भाई तुम्हारा 200 रुपये में वैसा ही इंटरेस्टिंग चीज़ बनाएगा। मैंने खरीदा ये लाइट और इससे निकलते हैं ऐसे, ऐसी रोशनी निकलती है पूरे सितारे जगमगा जाएंगे आपके रूम में। अंधेरी रात और आपको रोशनी की तलाश है, भाई आपके पास ऐसा कुछ सामान है, इसको ऑन करना चाहते हो, पावर ऑन करें क्या? ओ भाई इसकी खोपड़ी भी खुलती है। अगर आप छोटे से में अपना चांद सितारा आसमान को इसी में कैद करके रखना चाहते हो तो ये बढ़िया है, और अगर आप इसको फैलाना चाहते हो पूरे रूम में तो इसका ढक्कन खोल दीजिए। चांद सितारे भाई, ये 200 रुपये का आसमान नहीं लग रहा, ये महंगा लग रहा है देखने में। पूरा अंधेरा है और एक बटन से इसके अंदर एक छोटा सा मोटर लगा हुआ है जो घूमता है। पता नहीं कि कैमरा कितना कैप्चर किया, अच्छा किया, खराब किया, लेकिन सामने से देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और लिट हो जा रहा है पूरा रूम। मस्त प्रोडक्ट है भाई। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग है, स्विस नाइफ का सस्ता कॉपी, और ये मल्टी यूटिलिटी चीज है। इसमें सिर्फ नाइफ नहीं है, दुनिया के सारे औजार इसके अंदर भरे हुए हैं, जितना तुम चाहो काटने का, छाटने का, कसने का, सब कुछ मिलेगा इसमें। आप देखो इसमें सबसे पहले मैं दिखाऊं तो यार स्क्रू ड्राइवर भी है यार, और क्या चाहिए बताओ। एक तो मेरे को समझ में, बाकी की चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही। ये छोटा सा न तो चाकू है न तो कुछ ही है, क्या पता, समझ में नहीं आ रहा मुझे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये है वाइन ओपनर, लगा के घुमाओ बाहर निकाल लो। स्विस नाइफ है तो इसमें एक अच्छी क्वालिटी का नाइफ मिला है जो कि काफी शार्प लग रहा है भाई। अरे ये तो हेक्सा ब्लेड है भाई, आ रही है इसमें, लकड़ी वकड़ी काटने का काम आएगा लगता है, छोटी सी लकड़ी कुछ काटनी है आपको। और एक और सॉ है, डिफरेंट काइंड ऑफ सॉ, ये तो कैंची है भाई, ये अच्छा प्रोडक्ट है भाई। अगर आपको कुछ सैशे वैशे काटना हो एक और, तो बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग है एकदम, थोड़ा सा कुछ काटने के लिए थोड़ा सा काट लेंगे, जैसे बीजीएमआई वाले काटते हैं ना आप, जब यूसी खर्च करते हो थोड़ा सा काट लेंगे और थोड़ा सा काट लेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें बॉटल ओपनर भी है, दो दो है और डिफरेंट साइज का, तो काफ़ी यूटिलिटी की चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें एक हुक भी है कि कहीं आपको टांगना हो या बेल्ट वेल्ट में या फिर कहीं लगाना हो पैंट में, अगर आपकी पैंट ढीली है तो ये भाई बहुत वजन वाला है तो पैंट लेके नीचे चला जाएगा, तो ऐसा मजबूती वाला रहना चाहिए, इंटरेस्टिंग है लटकाने के लिए। देखो अच्छा लग रहा है, काम की चीज़ है भाई। ये मैंने बहुत टाइम पहले ख़रीदा था, लगभग 2 साल हो गए, काफ़ी उड़ाया इसको, फिर से इसको निकाला, चार्ज किया बैटरी। ये बग्स 2 है, इसको आज उड़ाते हैं देखते हैं। इसमें बस एक प्रॉब्लम है, ये कैमरे की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, मज़ा नहीं आएगा देख के, लेकिन हमारे पास गिम्बल वाला कैमरा है, इसको हम इससे चिपकाएंगे। और आपको पता है देसी जुगाड़ क्या होता है, सेलो टेप मारेंगे काम चलाएंगे। इसको चिपकाने की कोशिश करते हैं गाइस इस तरह से, होपफुली इतना वेट ये उठा ले।
एक राउंड और मार देते हैं, क्योंकि मेरे ड्रोन से ज़्यादा कीमती तो मेरा कैमरा हुआ। भाई ये तो गजब का जुगाड़ हो गया भाई। ये है हमारे पास हैंडी ब्लेंडर, खतरनाक भाई। जब मैं आपको हॉस्टल में था ना, तो कुछ भी घोल रहा होता था ना, जैसे कटोरी में चम्मच लेके ऐसे ऐसे घुमाते रहते थे फुल टाइम, ऐसा कुछ प्रोडक्ट होता अपने पास ना, तो डालते और पानी डालते और ऑन करते, देख रहे हो तो खतरनाक भाई। इसमें कुछ भी डालो पानी के साथ और बढ़िया ब्लेंड करो, एकदम चाकू वाला ब्लेंडर मस्त लग रहा है देखने में, कुछ भी काट छाट देंगे अंदर में। और ये रिचार्जेबल बैटरी इसमें यूज होती है, आप देखो यहाँ पर कवर किया गया है, सील पैक करके रखे हो चार्जर वाला, देख रहे हो अंदर, इसको खोल के चार्ज करेंगे तो आप चार्ज भी कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। और बढ़िया ब्लेंडर है, इसको यूज करके देखते हैं भाई को, तुम्हारी भूख भी लग गई, थोड़ा सा प्यास भी लग गया है, कोल्ड कॉफी बनाते हैं अब पीते हैं। हमारे पास सारा माल तैयार है, कॉफी है, चीनी है, दूध है, जल्दी से मिलाते हैं, कोल्ड कॉफी बनाते हैं। और इसमें जाली भी दी हुई है, इंटरेस्टिंग भाई, इसमें आपको कुछ अगर छाटना हो निकालना हो तो वो भी काम आ जाएगा। और ये खुलेगा भी नाइस, इसमें हम दूध मिलाते हैं गाइस। सबसे पहले दूध डाल दिया हमने, फिर थोड़ी चीनी डाल देते हैं, चीनी डाल दी, थोड़ी कॉफी मिला देते हैं, थोड़ी सी कॉफी। सारा माल हमारा तैयार है, इसको अच्छे से बंद कर लेते हैं, कहीं घुमाया पता चला छिटक के चारों तरफ मुंह में न लग जाए। मैंने देखा है कि मिक्सी की ढक्कन बंद किए बिना बहुत सारे लोग मिक्सी चला देते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ऑन किया जाए क्या? जय बजरंगबली। ये ब्लेंड हो गया गाइस, इसको खोला जाए, और इसको हम निकालते हैं कप में। खतरनाक कोल्ड कॉफी। और आपने ये प्रोडक्ट तो पिछली बार देखा ही होगा, जिसमें डायमंड शेप के बर्फ बनाता हूं मैं, आसान आदमी नहीं हूं मैं। ये भाई लिटरली एक मिनट से भी कम टाइम लगा है, बन के तैयार हो गया है, इसको पीते हैं। अरे यार बहुत अच्छा लग रहा है, कोल्ड कॉफी है। मजा आ गया भाई, खतरनाक भाई। वीडियो का अंत ऐसे ही होना चाहिए, काम कर लिया मैंने, पसीने बहा लिया, उसके बाद कोल्ड कॉफी पी लिया। कैसा लगा गाइस आप लोगों को? अगर मजा आया होगा तो शेयर करना वीडियो को, फॉलो कर लेना चैनल को, वी आर वेरी क्लोज टू 100K, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ कि आपका फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है। और कोई अगर आपके दिमाग में कोई प्रोडक्ट होगा जिसका आप अनबॉक्सिंग करवाना चाहते हैं तो कमेंट करके बताओ, भाई तुम्हारा खरीदेगा और उसका भी अनबॉक्सिंग करेगा, आपको भी दिखाएगा उसका प्रोडक्ट यूटिलिटी दिखाएगी। थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चीयर्स।